राज्य राजनैतिक संघर्ष घटना इस्युते कठोर पदक्षेप ग्रहण बार्ता दिलें त्रिपुरा दल चेयरमैन तथा एडिसी एमडीसी प्रद्युत किशोर देव बर्मन। शनिवार स्पष्ट बार्ता दिए तिनि बोलें, राज्य जे राजनैतिक हिंसार घटना ता अत्यंत लज्जार विषय। ए हिंसार घटनार साथे जड़ितदेर ग्रेप्तार करा उचित, से जे कोनो राजनैतिक दलेरि होक ना केन। एडिसी निर्वाचनेर मतो 2023 त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचने कि कमाल देखाते पारबे प्रद्युत किशोर देवबर्मनेर दल त्रिपुरा? 23-এর निर्वाचने कि किंग मेकारेर भूमिका नेबे त्रिपुरा दल, नाकि साइड लाइन होये जाबे ता बोलबे समय। তবে 23-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে কার্যত কোমর বেঁধে ময়দানে নামার মহড়া শুরু করে দিয়েছে ত্রিপুরা দল। নিজেদের শক্তি পরখ করে নিতে আগামী 12-ই মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভার ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা দল। ইতিমধ্যেই পাহাড়ে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সভা সমাবেশ শুরু করে দিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখেই যে ত্রিপুরা দল 23-এর ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এমনটাই অভিমত ওয়াকি বহাল মহলের। এদিকে রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ইস্যুতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বার্তা দিলেন ত্রিপুরা দলের চেয়ারম্যান তথা এডিসির এমডিসি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। শনিবার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এই হিংসার ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা উচিত, সে যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন। প্রদ্যুৎ কিশোর আরও উল্লেখ করেন, তার উপরেও হামলা হয়েছিল কিন্তু তা আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পাশাপাশি মাফিয়াগিরি গুন্ডাগিরির মধ্য দিয়ে সারা ত্রিপুরার নাম খারাপ হচ্ছে বলেও এদিন অভিমত ব্যক্ত করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ये वायलेंस 10 दिन पहले शुरू नहीं हुआ, ये वायलेंस बहुत दिन से चल रहा है। मेरे ऊपर भी अगर मीडिया थोड़ा हाईलाइट करेंगे, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था मोहनपुर में, एक साल भी नहीं हुआ है, सबके सामने ये लाइव था। आज तक जिसने मेरे ऊपर अटैक किया है एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ। तो ये वायलेंस चल रहा है और ये बहुत शर्म का बात है और मैं चाहता हूं कि जो भी ये वायलेंस करे उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कोई भी पार्टी से उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और ये जो माफियागिरी है, ये गुंडागिरी है, इससे पूरा त्रिपुरा का नाम खराब हो रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, मेरे ऊपर आज से एक साल पहले अटैक हुआ था मोहनपुर SDM ऑफिस में, सबके सामने, अभी तक एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है, FIR फाइल हुआ था उसके बाद कोई अरेस्ट हुआ है कि वो भी कहना चाहते हैं कि जो हुआ था आप लोगों ने सबने देखा, वो भी उसमें एक आदमी अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। ये बहुत खराब प्रेसिडेंस है, जब आप गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं करोगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, तब ये गुंडे लोग बाद में सोसाइटी को हार्म करते हैं। ये किसी के नहीं है, कोई पार्टी के नहीं है, गुंडा का कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী 12-ই মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দলের জনসভাকে সামনে রেখেছিল এই বৈঠক। ব্যুরো রিপোর্ট, হেডলাইন্স, ত্রিপুরা ন্যাশনাল।